बिहार में जो कंट्रोल है प्रशासन अपने हाथ में ले ली है, वही चलाती है सत्ता। थाना पुलिस बिना पैसे का कोई काम नहीं करती है। ड्राइविंग लाइसेंस गुम गया, आप FIR देने जाइए, उसके लिए लोग पैसा लेते हैं। आपका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन आया हुआ, उसके लिए पैसा लेते हैं। कौन इज्जत करेगा? और सरकार का ध्यान कहाँ है? पब्लिक के जेब से कैसे पैसा निकाला जाए? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। कल जिस तरीके से जदयू के विधायक गोपाल मंडल मीडिया कर्मियों के साथ गाली गलौज के साथ जिस तरीके से वो बर्ताव किए हैं, उन चीज़ों को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। RLJD के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत कुमार हैं हमारे साथ बात करने के लिए। मैं इनसे जानूंगा कि जिस तरीके से सर कल मीडिया कर्मियों के साथ गाली गलौज जिस तरीके से किए हैं वो, तो कहीं ना कहीं ये उचित लग रहा है क्या मीडिया कर्मियों को? देखिए, ये तो कदाचित नहीं माना जाएगा कि सही है। गोपाल मंडल जदयू के विधायक हैं, कुछ दिन पहले हथियार लेके घूम रहे थे और जवाब देने मांगने पे उन्होंने मीडिया कर्मी को गाली दिया। मीडिया जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है और वो सच्चाई दिखाने का कोशिश करते हैं हमेशा, चाहे वो हमारा हो किसी का हो। पब्लिक का जो भी व्यू रहता है वो जाते हैं, सरकार हो या विधायक हो MP, किसी को नहीं छोड़ते हैं। उनके साथ इस तरह का होना, कहीं ना कहीं वो लगता है कि इनकी जो मानसिकता है वो बिगड़ गई है सरकार की। अब अराजकता का माहौल है, आप देख लीजिए। कल छपरा में पुलिस वाले को बंदी बनाया गया, बिहार जैसे प्रदेश में। उससे पहले मुजफ्फरपुर में पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है, बिहटा में मारा जाता है पुलिस वाले, तो कहाँ गड़बड़ है? इस पर भी लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर ये पुलिस के प्रति लोगों के अंदर इतना जो उनका निगेटिवपन क्यों आ गया है। अब ये सरकार जिस तरह का काम कर रही है, पुलिस जो है टाइम देख के जाती है, प्लस वो मीडिया जब कॉल जाता है किसी का तो गरीब के घर नहीं पहुंचती है टाइमली, लेकिन कोई पैसे वाला रहे जहां से उनको आमदनी हो तभी हो जाता है। ये सब आपको दिखने मिलेगा और यही कारण है कि अगर विधायक ऐसे हैं, डिप्टी CM बेल पे है और CM अगर ध्यान नहीं देंगे तो जनता के साथ साथ मीडिया वाले को ये देखना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है और उन्हीं के विधायक हैं और काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं, क्योंकि बार बार उनका विवादित बयान पार्टी को लेकर के या उस तरीके के कारनामों का देखने को मिलता है, तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेकर के उन पर जो है ठोस कार्रवाई करनी चाहिए? अब एक चीज़ बताइए, ये कल की घटना है, उस समय की घटना है जब माननीय मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में थे, और केवल मुख्यमंत्री नहीं, वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग थे। उसके बाद ये होता है घटना, तो अब तक तो उनको संज्ञान ले लेना चाहिए था। चूँकि उनके हाथ से कंट्रोल निकल गया है, तो सब लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो कंट्रोल है प्रशासन अपने हाथ में ले ली है, वही चलाती है सत्ता। अब आप छोटा एग्जांपल लीजिए ना, आपका मोबाइल गिर जाता कहीं, आप कंप्लेन लिखाने जाइए, थाना पुलिस बिना पैसे का कोई काम नहीं करती है। ड्राइविंग लाइसेंस गुम गया, आप FIR देने जाइए, उसके लिए लोग पैसा लेते हैं। आपका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन आया हुआ, उसके लिए पैसा लेते हैं। कौन इज्जत करेगा? और सरकार का ध्यान कहाँ है? पब्लिक के जेब से कैसे पैसा निकाला जाए? आज देखिए, हेलमेट पहन के लोग घूम रहे हैं, लेकिन ये निकाला जाता है कि आपका ब्रांडेड हेलमेट नहीं होगा तो 1000 का फाइन लगेगा। आप उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि जहाँ चार चार बंदे सवार होके और लहरिया कट मार के अभी भी जा रहे हैं, उस पर कोई फाइन नहीं लगता है? और परिवार एक जा रहा है, मियाँ बीवी बच्चे जा रहे हैं, उसको आप रोक के परेशान कर रहे हैं। तो ये सरकार के प्रति, और यही दिख रहा है, बीटा में अफसर को मारा जा रहा है, महिला अफसर तक को लोग नहीं छोड़ रहे, दारूबंदी आप बोल रहे हैं, पूरा एरिया सील है लेकिन फिर भी दारू निकल रहा है, तो पूरा का पूरा नाकामी है नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार ये सब जान रहे हैं कि मीडिया के साथ साथ विधायक MP कोई उनके कंट्रोल में नहीं है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि जहाँ हम अपने विधायक को टाइट करेंगे वो तोड़ के चले जाएंगे। आपने तोड़ने की बात कही, जाने की बात कही, तो कल जो है सुनील कुमार पिंटू, आपने आप उनको जानते होंगे शायद, वो भी जो है जदयू का दामन छोड़ करके जो है कहीं दूसरे पार्टी में जाने वाले हैं, तो क्या लग रहा है? तो कहीं ना कहीं वो सांसद भी हैं। नहीं, ये तो जदयू वाले बोल रहे हैं, जब उन्होंने सवाल उठाया कि आप जो किए हैं जनगणना, वहीं उसमें कई खामियाँ हैं। अब वो सवाल अगर उठा रहे हैं तो आप सीधे बोलिए कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं। केवल सुनील कुमार पिंटू नहीं, प्रगति मेहता ने भी सवाल उठाया है कि जातिगत जो जनगणना हुई है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, खामियां है। उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे बड़ा अगर कास्ट माना जाता था OBC में दूसरा नंबर पे, वो कुशवाहा,
उसको आप 4% दिखा रहे हैं, और जो अदर कास्ट है यादव को दिखा रहे हैं 14%। कहीं भी प्रैक्टिकली आप चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कुशवाहा से 4 गुना यादव कहीं नहीं है। एक छोटा एग्जांपल है, इसी तरह कई कास्ट का है। तो आप उसमें देखिए, अगर जनता को शंका है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, केवल जनता को नहीं, आपके सांसद को, आपके विधायक को, तो उसका निवारण होना चाहिए। और सरकार का ये फर्ज बनता है कि आप जस्टिफाई करें। ये थे हमारे साथ इंजीनियर हेमेंद्र कुमार, जो कि RLJD के प्रदेश प्रवक्ता हैं, जिनको आप सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। सहयोगी पिंटू के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना।